हमारे बेबीज हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम पेरेंट्स बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तब हम बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते कंसीव करने के लिए। बहुत ही इम्पेशेंट हो जाते हैं हम, हमें लगता है कि बस अब जल्दी से हमारा बेबी हमारी लाइफ में आ जाए। ऑल दो मदर नेचर इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, मगर फिर भी हम अपनी तरफ से ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि इसको पॉसिबल कर सकें। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं या ऐसी कौन सी टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हम जल्दी कंसीव कर सकें या जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसीव करने या प्रेग्नेंट होने के सही तरीके और सही टाइमिंग के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि बेबी कैसे होता है, जब फीमेल का एग मेल के स्पर्म के साथ मिलता है तब बेबी होता है। अब आप ये जानिए सबसे पहले कि फर्टाइल पीरियड या वो समय जो कंसीव करने का या प्रेग्नेंट होने का सबसे सही समय है, वो होता है जब फीमेल की बॉडी में एग मैच्योर होता है और रिलीज होता है। इस समय को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये होता कब है? ये होता है आपकी जो पीरियड की साइकिल होती है उसके शुरू होने के 14 दिन पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिन की है या आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 दिन की है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो तकरीबन 16वें दिन के आसपास होगा। और जो आपके फर्टाइल डेज हैं, यानी कि जो बेबी को कंसीव करने के सबसे अच्छे दिन हैं, वो है 12, 13, 14, 15 और 16वें दिन पे। तो जब फीमेल बॉडी में एग मैच्योर हो जाता है और रिलीज होता है या निकलता है, तो फेलोपियन ट्यूब उसको अपने अंदर खींच लेती है। तो एग फेलोपियन ट्यूब के अंदर सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है, मगर यहीं पर जो स्पर्म है जब वो वजाइनल कैविटी से ऊपर चला जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो वो 5 से 7 दिन तक जिंदा रहता है। तो बेटर क्या होगा कि जब एग रिलीज होता है तो स्पर्म ऑलरेडी वहां पर पहुंच जाए, और जैसे ही एग रिलीज हो तो स्पर्म एग के साथ मिल जाए। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। तो इसलिए अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आपकी पीरियड्स की साइकिल 30 दिन की है, तो आपका ओव्यूलेशन जो है वो तकरीबन 16वें दिन के आसपास होगा, और आपके फर्टाइल डेज या वो दिन जो कंसीव करने के लिए सबसे अच्छे हैं वो होंगे 12वें से 16वें दिन तक। मगर और भी बेटर है कि अगर आप अपनी मेंस्ट्रुएशन या पीरियड के साइकिल के पहले 7 दिन छोड़ के 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक हर दूसरे दिन आप इंटरकोर्स करें या कंसीव करना ट्राई करें, तो वो प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन टिप्स की जो आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में या कंसीव करने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या आपकी पीरियड्स की साइकिल 30 दिन की है, तो यानी आपका ओव्यूलेशन जो है वो 16वें दिन के आसपास होगा, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने पीरियड्स की साइकिल के 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक हर दूसरे दिन इंटरकोर्स करें, जिससे कि ये आपको प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज हैं आपकी साइकिल के। दूसरी टिप आती है बर्थ कंट्रोल मेजर्स। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो या गर्भ निरोधक गोलियाँ लेते हो, तो आप उसको फौरन बंद कर दीजिए, या अगर आपने अपनी बॉडी में कॉपर टी लगवाया हुआ है तो आप उसको फौरन निकलवा दीजिए। क्योंकि जब आप ये पिल्स लेना या ये गोलियां लेना बंद करते हो, उसके बाद आपकी बॉडी के हार्मोन्स को नॉर्मल आने में तकरीबन 1 साल तक का समय लग सकता है। तीसरी जो टिप आती है वो है वेट। आपको अपने वेट को आइडियल रखना या नॉर्मल रेंज के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप कंसीव करना ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं, तो इससे मुश्किलें आ सकती हैं कंसीव करने में। नेक्स्ट जो टिप आता है वो है डाइट। आपको अपनी डाइट इस वक्त पर बहुत ज़्यादा बैलेंस रखनी है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रखना है, जैसे कि अंडे हो गए, दालें, दही, पनीर या दूध, इन सब की मात्रा ज़्यादा रखनी है। और
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चीनी या वाइट ब्रेड या चावल, इन सब चीज़ों की मात्रा आपको कम रखनी है। फैट्स की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है अपनी डाइट में, और आपको वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स थोड़ी बढ़ानी है अपनी डाइट में। फाइबर का कंटेंट बढ़ाना है, फ्रूट्स का कंटेंट बढ़ाना है, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है अपनी डाइट में। अगली जो टिप आती है वो है एक्सरसाइज। आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस ज़रूर इंक्लूड करनी है, या जैसे कि थोड़ी बहुत वॉक कर ली या थोड़ा बहुत योगा कर लिया, लेकिन बहुत मॉडरेशन में आप एक्सरसाइज करिए। याद रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करना भी इस टाइम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट इस टाइम पर आप मत करिए। नेक्स्ट जो टिप आती है वो है स्ट्रेस। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस इस टाइम पे नहीं लेना। कोई भी तरीके का फैमिली स्ट्रेस या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस से आप अपने आप को दूर रखिए, तो ये कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो टिप आती है वो है प्रॉपर स्लीप। आप कोशिश करिए कि आप दिन में 8 घंटे ज़रूर सोएं, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें। अगर आप अपनी नींद को कम रखते हो या रात को लेट सोते हो, तो उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आती है एज। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग अपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की वजह से या करियर में अपने आप को स्टेबल करने की वजह से अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी डिले कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार अगर जल्दी प्रेगनेंसीज हो जाएँ तो अबॉर्शंस भी करा लेते हैं लोग, तो आगे चल के कंसीव करने में या प्रेगनेंसी प्लान करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोशिश ये करिए कि अपनी प्रेगनेंसी को टाइमली प्लान करिए, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। अगली जो हमारी टिप आती है वो है मल्टीविटामिन। आपकी डाइट बहुत अच्छी भी हो, तब भी आप कोशिश करिए कि रोज़ आप एक कैप्सूल मल्टीविटामिन जिसमें फोलिक एसिड और आयरन हो, और रोज़ एक टैबलेट कैल्शियम आप ज़रूर लीजिए, जिससे कि आपको कंसीव करना इजी हो जाएगा। अगली जो टिप आती है वो है स्मोकिंग, कैफीन या अल्कोहल। अगर आपको स्मोकिंग की या अल्कोहल की या किसी और तरीके के ड्रग लेने की हैबिट है, या फिर बहुत ज़्यादा कैफीन आप लेते हो, तो आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल हटा दीजिए अपनी लाइफ से। अगर आप हटा नहीं सकते हो तो कोशिश करिए कि इसको बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगी कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में। नेक्स्ट स्टेप आती है वजाइनल लुब्रिकेंट। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आप वजाइनल लुब्रिकेंट्स बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, क्योंकि ये स्पर्म्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और इससे कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो टिप आती है वो है ओविलेशन किट। आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है ओविलेशन किट्स, जिसको यूज़ करके आप अपनी ओविलेशन डेट या फिर एग कब रिलीज़ होगा इसका पता लगा सकते हो, और उसके हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी बहुत इजीली प्लान कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आपकी एज 35 साल से कम है, तो आप इन सब चीज़ों को 1 साल तक ट्राई करिए, और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करिए। और अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है, तो आप 6 महीने तक इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ट्राई करिए और कंसीव करना ट्राई करिए, और तब भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नीचे दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय फॉर नाउ फ्रॉम मॉमी बेबी।